नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मधेश विरोधी कहवला सब डोम के बच्चा के कन्हा में उठाव, केपी ओली के चुनौती रहल संबंधी प्रसंग। प्रधानमंत्री के पी ओली अपना के मधेश विरोधी कहवला सब डोम के बच्चा के कन्हा में उठाव चुनौती दिलेन। नेपाल के पहल 400 केवी सब स्टेशन आ विश्व बैंक के सहूलियत पूर्ण ऋण एवं नेपाल सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरण के संयुक्त लगानी में निर्मित 220 आ 132 केवी ढलके वाले सब स्टेशन के आई उद्घाटन करते आरोप प्रत्यारोप लगावत सा बढ़िया विकास के काम में साथ देवा आग्रह करें। आ मधेश विरोधी कह के नारा लगवे रहू, हम पहाड़ फोड़ कर मधेश में सिंचाई के लिए कोसी लैब। वो कहलन खोखरा नारा नहीं लगाओ, विकास के काम में ध्यान लगाओ। पार्टी भितरे पैर तान वाला प्रवृत्ति बढ़ल कहे ओली, हम चलब अपने बात, पैर तान वाला सब तानित करू कह का व्यंग कहने छा। बगैचा नुमा आधुनिक शहर नुमा के बनाने हो तर त्यो बनाने जंगल लगाने हो भने यस्तो फलफूल को जंगल लगाने की मान्छे, सार्वजनिक जमीन हो भने त्यो सार्वजनिक जमीन पनि खेरकिन जान दिने, त्यसको व्यवस्थापन गरौँ, त्यसले ठूलो आमदानी दिन्छ, त्यसले आनन्द दिन्छ, त्यसले मन हर्षित बनाउँछ, त्यसले जीव जन्तु सबैलाई प्रसन्न बनाउँछ। हामी त्यतापट्टि लागौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अहिले धेरै कुरा नभनौँ, अहिलेको सरकारको काम विकास गर्ने हो, विकासमा लागेको छ। पार्टी भित्रै बसेर सरकार भित्रै बसेर खुट्टा तान्नेहरू केही थिए? कुन्ती मोक्तानको एउटा गीत सम्झिएर म पनि हिँडिराखेका थिएँ अगाडि, म त हिँड्छु मेरै। विपक्षी प्रति ओ सब इङ्गित गरेत, ओ कहलन चुट्टीके काल अबैत अछि त पाँख जन्म जाइत अछि। हुनका सबके सेहो एहने आयल बतबैत अपन किडनी फेल हेबाक आशमे ओ सब खुशी छल, बादमे व्यक्तिके रुकि कऽ किछु नहि होवला अछि कहि कऽ अलग भऽ भेल से बैंक सेहो कयने छल। ओ कहलन दू चार गोट जाइतेमे किछु संकट नहि आयत, देश के प्रेम नहि करयवला व्यक्ति सब अलग होइतेमे किछु नहि हैत। बरू हुनकर सबके हटलाके बाद आ फेर पार्टी नींदसँ जागल जेहन भेल अछि। किन छोड़े पार्टी, निकाले थिएन, केही गरेका थिएन, यति उपद्रव गर्ने पार्टी भित्र बसेर यति उपद्रव कुनै पार्टीमा चल्छ तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ? दुनियाँमा कहीँ थाहा पाउनु भएको छैन, कहीँ हुँदैन यस्तो, तर पनि कारवाही गरिएको छैन, तर पनि उताउ लिएर हेरे। एउटा शुद्धिकरण आन्दोलनमा जरुरी थियो, अब पार्टी कार्यकर्ताले कसरी अगाडि बढ्ने, कता अगाडि बढ्ने, सक्रिय हुन। तोकल गेल मितिमै चुनाव हैत निश्चित भेल, ओहिसँ अन्य मिति सेहो नहि घुसकत भेला सब तैयारी शुरू कर सबके आग्रह सेहो कयने छल। कार्यक्रम में मंत्री सब टोप बहादुर रहमाजी, जूली महतो, प्रभु शाह, प्रदेश दू के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत लगात के उपस्थिति रहल छल। उद्घाटन कयल गेल सब स्टेशन से देश के पूर्व पश्चिम आ नेपाल भारत बीच करीब 1000 मेगावाट विद्युत प्रसारण कयल जा सकबाक बताओल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अनुसार सब स्टेशन में जड़ान कयल गेल 315 MVA के थप पावर ट्रांसफार्मर के बिदला पुष 19 गते से चार्ज कर सब परीक्षण सम्पन्न कर सोम दिन प्रधानमंत्री से उद्घाटन कयल गेल अछि। धनुषा के सबैला नगरपालिका में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नगर स्तरीय कार्यकर्ता जमघट आइ सम्पन्न भेल अछि। धनुषा जिला सभापति रामचंद्र यादव के अध्यक्षता तथा केंद्रीय कार्य संपादन समिति के सदस्य कृष्ण प्रताप मल के प्रमुख आतिथ्यता में भेल जमघट से सबैला नगरपालिका 39 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन कयल गेल अछि। परशुराम कुंवर के संयोजकत्व में गठन कयल गेल तदर्थ समिति के सदस्य नियोजक में इंदिरा थापा आ नागेंद्र प्रसाद कापर चयन भेल अछि। तहिना सदस्य में जयकिशोर राय, रामेश्वर यादव, श्याम सुंदर साह, राम प्रताप यादव, उतीम चंद्र यादव, विशेश्वर ठाकुर, शंकर राय, जीवच यादव, ठकन राय, मोहम्मद मुस्तकीम कबारी, शत्रुघ्न पचियार लगात के रहल अछि। जमघट में केंद्रीय सदस्य मनोज मल, प्रेक्षा मल, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद दाऊद शेख, सचिव कमलेश कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार साह, पुरुषोत्तम सापकोटा, पार्वती देवी ठाकुर लगात के उपस्थिति रहल छल। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली के सरकार से बहिर्गमन आ संसद के पुनर्स्थापना के विकल्प नहीं रहल बतौलन अछि।
राष्ट्रीय जनमोर्चा काठमांडू में आयोजन करने संसद विघटन और प्रतिगमन की खतरा विषय अंतर क्रिया में यादव देश के लोकतांत्रिक लीग में लावा सरकार से बहिर्गमन आ संसद के पुनर्स्थापना के विकल्प नहीं रहल बतौलन वो एखन देश के प्रतिगमन के रास्ता में लॉ जाए नहीं देव आ संघीयता के रक्षा कर एकताबद्ध हो प्रभाग बतौलन वो नेकपा भीतर के विवाद के कारण संसद विघटन भेल आ संविधानिक खतरा में पड़ल जिक्र कैलन प्रधानमंत्री जेहन कार्यकारी व्यक्ति संविधान अनुसार चल प्रभाग में राजनीतिक खेल से चलल वो आरोप लगौलन यादव संविधान की रक्षा करित अमे नहीं पहुँचल विषय सबके थप कर प्रभाग में धारणा रखने फुटबल को खेल जस्तो हाफ टाइम पछि यताको खिलाड़ी उतापटी उताको खिलाड़ी यतापटी विश्व को उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्ने पार्टी का नेताहरु प्रधानमंत्री जी आज यो संविधान को विरुद्ध आउनुहुन्छ संविधान चाहिए संविधान को उल्लंघन गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नु पनि भएको छ यो संवैधानिक निर्णय होइन संविधान को कुनै धारा उपधारा अन्तर्गत गरे होइन यो मेरो राजनीतिक निर्णय यानी प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी प्रमुखले निर्णय गर्दाखेरि संविधानसम्म विधिसम्म र प्रक्रियागत निर्णयमा चल्नु शासन चल्नुपर्ने एउटा निर्णय गर्नुपर्ने तेन कांग्रेस नेता रमेश लेखक जनता से दु तिहाई मत लौने रहो नेकपा देश के स्थिरता देव नहीं सकल बतौलन वो कम्युनिस्ट सरकार संविधान तोड़ के काज कने तर्क कैलन छिहत्तर एक को सरकार हो भने त्यो बेला के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को संसदीय दल को नेता केपी ओली भइसक्नु भएको थियो इसका बारे में छलफल कर जरूरी यदि होइन त्यो बेला गठबन्धन को दुईटा पार्टी मिलेर उहाँ प्रधानमंत्री हुनु भएको थियो भने संविधान बमोजिम विश्वास को मत दिनु पर्थ्यो कि पर्थ्यो त्यहाँनिर के भयो संविधान हामी कोही बोल्यौ भएको के थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताबाट झन्डै दुई तिहाई मत लिएर आएको थियो उहाँहरू हामी संसार जितिसक्यो भनेर राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी दुतिहाई के दुरुपयोग भेल बतौलन दल सब राष्ट्र आ जनता के लिए नहीं भक पद आ सत्ता के लिए लड़ा स एखन के अवस्था आयल ओ बतौलन के ती पार्टी भित्रक झगड़ा हो सत्रह साल देखि हे असम पार्टी भित्र पार्टी भित्रक झगड़ा कें होनी उन्हीं को लगी पेलो काम राष्ट्र जनता को तब चाहिए मुक्ति को लगी समृद्धि को अलसम चिंता है चिंता तब के भन्दा तब अब जसरी हो सत्ता में जसरी हो शक्ति में त्या बसर मत तब चाहिए फायदा लिख सकता हईकम चला सकता बारम्बार चुनाव जितने सकता संपत्ति कमा सकता तो भन ये धीरे चाहे दोष देखा प्रचंड दीदी अभी तस्तो मानस वहाँ पार्टी का गई हाल कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेता सब संसद विघटनसँगै प्रतिगमनकै खतरा रहला छ यसकै विरुद्ध एकजुट होब धारणा रखने छ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर शाह सहकार्य कक आगा बढ़ आग्रह कैलन सुदृढ़ नेपाल शहरी उत्थानशीलता परियोजना से आइस जनकपुरधाम में शुरू भेल पाँच दिने सहकारी क्षमता विकास तालीम के समुद्घाटन समारोह के संबोधन करैत मेयर शाह इजरायल से शुरू भेल सहकारी के अवधारणा धीरे धीरे आगा बढ़नाई हमरा सबक समाज के लिए सुखद बात रहल बताने छलखिन कुश्ती से उपलब्धि मूलक सीख अपने से करब के लिए हार्दिक शुभकामना शुरू करना चाहे असमन्वय के आधार पर सहकारिता के संगठित समूह के रूप में आगा बढ़ावर के लक्षित सिद्धांत जैसे जहाँ से शुरू भेल सहकारिता वही उद्देश्य के साथ कैल सहकारिता को बहुत बेसी पुरान अवधारणा नहीं है लेकिन मूल रूप से सहकारिता जैसे दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी दोसर विश्व युद्ध तक दुनिया जैसे छत बिछत के अवस्था में लेवे कार्यक्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के उपमेयर रीता झा घर से पुतौ सबके बाहर लावा आग्रह केने छली ओ पढ़ल लिखल पुतौ सबके कोनो बात बेसी बुझत भला सा साउस सब पुतौ के बेटी समेत के सहयोग कर सुझाव देने छली
सहकारी संस्था नहीं रहि गेल जे अहाँ रखने छी 12 नंबर वार्डमे आ वितरण मल पर कतऽ करै छी तऽ 4 नंबर वार्डमे 19 नंबर वार्डमे आब ओना नहि छी आब सहकारी संस्थाके ओकर अहाँके बाँटल गेल छी अतबे टोलमे अहाँके देबके कतेक अहाँके हेक्टर जमीनके बीचमे अहाँके कृषि सहकारी संस्थाके खाद वितरण करैके सबके अहाँके सीमित योजना बनाएल गेल छै ओकर जेना खुर्दामे महानगरपालिका डाटा कलेक्शन कऽ कऽ ओकरा अहाँके जगहके एतेक हेक्टर जगह हमसब एहि सहकारी संस्थाके देने छी एहिसँ फाजिल नहि जा सकल से आ कखनो अनुदान आइसँ शुरू भेल ओ तालीम 5 दिन धरि चलत उपमहानगरमे रहल सहकारी समितिसँ छनौट कयल गेल सहकारी सबके तालीम देबऽ लागल अछि महतारीसँ 15,000 रुपया घूस सहित एक प्रहरी हवलदार अख्तियारके फंदामे पड़ल अछि महतारीके गौशाला नगरपालिका एक स्थित निगौल चौकसँ 15,000 घूस सहित सशस्त्र प्रहरी बेस कैम्पमे कार्यरत सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार श्रवण बस्नेत पकड़ाव पड़ल अछि सोमक साँझ करीब 5 बजेके समयमे एक गोट साधारणसँ जंगलसँ जारनि लाबऽ सहज करबाक प्रयोजन वापत घूस लऽ रहल समय हुनका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासके टोली पकड़ाव कयलक अछि अख्तियार हवलदार चढ़ल 9168644 नंबरके बेस कैम्पके भैन सेहो नियन्त्रणमे लेने जनौलक अछि हवलदार बस्नेत ऊपर थप अनुसन्धान कऽ रहल अख्तियार जनौलक अछि प्रधानमन्त्रीके विश्रामावलीके सिरहामे विद्यार्थी सब कारी झण्डा देखौलक अछि तत्कालीन एमाले नेता हेमनारायण यादवके 17वां स्मृति दिवसके अवसरमे आइ आयोजित कार्यक्रममे सहभागी हुआ सिरहा पहुँचल प्रधानमन्त्री ओलीके सदर मुकाम सिरहा बाजारमे निकपाके प्रसन्न माधव पक्षके युवा तथा विद्यार्थी सब कारी झण्डा देखौलक अछि यादव प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करबाक क्रममे प्रधानमन्त्री ओलीके विद्यार्थी सब कारी झण्डा देखौने अछि प्रहरी कारी झण्डा देखाबयवला 5 सँ 6 गोट युवा तथा विद्यार्थीके नियन्त्रणमे लेने अछि हुनका सबके जिला प्रहरी कार्यालय सिरहामे राखल गेल जनाओल गेल अछि प्रधानमंत्री के विश्रामावली सिरहा के सदर मुकाम स्थित शहीद स्वर्गीय हेमनारायण यादव के सालिक में माल्यार्पण कयलनि अछि सोम दिन 17वां स्मृति दिवस के अवसर में कड़ा सुरक्षा के बीच ओली सालिक में माल्यार्पण कयने अछि माल्यार्पण पहिने शहीद यादव के पुत्र डॉक्टर नवीन यादव कन्या पारो देवी आ नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री ओली के फूल माला लगा कर स्वागत कयने छल माल्यार्पण करय पहुँचल प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध नेकपा प्रचंड नेपाल समूह के नेता कार्यकर्ता सब नाराबाजी कयने अछि नाराबाजी करयवला आधा दर्जन नेता के सुरक्षाकर्मी नियंत्रणमे लेलक अछि सिरहा सदर मुकाम में नेकपा आयोजना केने सभा में ओली समूह के नेता तथा कार्यकर्ता सब सहभागी भेल अछि माल्यार्पण के बाद ओली संबोधन करबाक कार्यक्रम रहल छल सभा में गाम गाम से हजारों कार्यकर्ता पहुँचल छल सरलाही घर रहल भक्तपुर नगरपालिका 10 कमल विनायक में डेरा लगकर रहनिहार 19 वर्षक किशोरी के बलात्कार कर फरार पुरुष के प्रहरी पकड़ाव कयलक अछि बलात्कार अभियोग में महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती भक्तपुर नगरपालिका 10 कमल विनायक के 21 वर्षक विकास तजले के पकड़ाव कर रवि के जिला अदालत भक्तपुर में मैथ थप कर अनुसंधान आगा बढ़ौने महानगरीय प्रहरी परिषद भक्तपुर के प्रहरी न्याय निरीक्षक दीपक गिरी जानकारी दिलन बितला 14 गते बेरिया किशोरी के रूम में पैसक डर धमकी दक बलात्कार कर फरार रहा है किशोरी बितला 16 गते महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती भक्तपुर में किटानी जाहिरी दिलक बाद प्रहरी तजले के खोजी कने नेपाली कांग्रेस के तेरहू भातृ संस्था प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम विरुद्ध संयुक्त विरोध प्रदर्शन देशभर कयलक अछि संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेस भातृ संगठन आइ देश के 77 जिला में एक साथ प्रदर्शन कयलक अछि संसद विघटन मार्फत सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम चरम भ्रष्टाचार कुशासन कोविड विरुद्ध के संघर्ष में देखल गेल अकर्मण्यता जन सरोकार के विषय में सरकारी उदासीनता लगायत के मुद्दा के आगा लाबि कर प्रदर्शन कयल गेल कांग्रेस जनौलक अछि एहि क्रम में नेपाल महिला संघ नेपाल तरुण दल नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ लगायत काठमांडू में संयुक्त प्रदर्शन कयने छल काठमांडू के रत्न पार्क में भेल सभा में कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह प्रधानमंत्री के असंवैधानिक कदम के सड़क से परास्त कर प्रभाक बतौलनि ओ संसद पुनर्स्थापना हैत कहे ओली बालवाचार छोड़ के समय आयल धारणा रखने छलखिन पार्टी के झगड़ा नहीं मिलाकर ओली संसद भंग कर जनता के मैंडेट के अपमान कने ओ बतौने छलथि दिन जस्तै उहाँ पनि अब यो बालवाटार छोडेर उहाँ चाहिँ अब कहाँ जाने हो जाने दिन चाहिँ नजिक आउँदैछ किन भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा केमा चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अहिलेको यो जमाना यो 21st सेन्चुरी के यो ताराछाहरूको जमाना हो र कहाँबाट चाहिँ टिक्छ भने नि कुन चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ शक्तिशाली यो व्यक्ति ओली हो र
आफ्नो पार्टीको यो चाहिँ झगडा चाहिँ मिलाउन नसक्ने, आफ्नो पार्टीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि चाहिँ आएर रिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर आम नेपाली जनता जसले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 5 वर्षको जुन म्यान्डेट दिएको त्यो म्यान्डेटलाई चाहिँ अपमानित गरेर जुन यो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्यो त्यसबाट जनता चाहिँ वाक्क भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनकै थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने कङ्ग्रेस आई भातृ संगठन सम प्रदर्शन केने सिना माघ 30 गते जिल्ला कार्य समिति जिल्लामा प्रदर्शन गर्वाक्त भेल कांग्रेस जनौलकै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोगके आधिकारिक पार्टी अपने सब रहल जानकारी दै पत्र लिखवाक निर्णय केलकै। आई काठमाडौँ बेसलो पक्षके केन्द्रीय कमिटी बैसारसँग अपने सब आधिकारिक पार्टी रहल दावी गरेन। एहि विषयमे आयोगमे लिखित पत्र पठेबाक निर्णय केलकै। एहिसँ पहिने आयोग पठाउने पत्र प्राप्त भेल कहे फेर सेहो सब आन्तरिक विषय खुलाकर आयोग के आधिकारिकता देवाक लेल पत्र लिखवाक निर्णय भेल। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलन विधानअनुसारे पार्टी के बैसार बैसल आ ओहि के आधार में पदाधिकारी हेरफेर कने विषय में आयोग से पत्र प्राप्त भेला से लिखित जवाब सहित आयोग के पत्र लिखवाक निर्णय भेल ओ बतौलन। केन्द्रीय समिति बैसार से इससे पहिने अध्यक्ष से हटाओल गेल केपी ओली के साधारण सदस्य समेत नहीं रह सका पार्टी से बर्खास्त करबाक प्रस्ताव अनुमोदन कने महासचिव विष्णु पौडेल के सेहो जिम्मेदारी से हटाओल गेल। बैसार से प्रधानमंत्री ओली के कदम के विरोध में घोषित आंदोलन के कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाब पार्टी पंक्ति के निर्देशन सेहो देलक। म्यांमार में भेल सैन्य कू के विरोध करे प्रजातंत्रवादी नेत्री आंग सान सू की लगायत के रिहा कर सेहो बैसार माकेने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। को असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदम को विरुद्ध संघर्ष को कार्यक्रम अगाडि बढाएर दुई चरण को संघर्ष कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न गरिसकेको छ र अर्को चरण को कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेको छ र घोषित संघर्ष का कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक संपन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालित गर्ने निष्कर्ष पनि यो बैठकले निकालेको छ र त्यही अनुसार सबै पार्टी कमिटीहरूलाई र पार्टी सदस्यलाई निर्देशन जारी गरेको छ र यस बीचमा निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले पार्टीको विधान अनुसार पार्टीका बैठकहरू गरेर पार्टीको पदाधिकारी बैसार के सम्बोधन करैत नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दा में अन्य दल सब सेहो एक ठाउँ में अयबाक अवस्था बनित गेल आ ओली पक्ष के आंदोलन से धराशायी बनाबे के सहमति होबय लागल बतौलन। नेकपा के दुनू समूह के आधिकारिकता अस्वीकार करबाक माघ 11 के निर्वाचन आयोग के निर्णय त्रुटिपूर्ण रहल प्रचण्ड बताने छलथि। नेपाल में आइ थप 159 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,71,118 पहुँचल अछि। तहिना थप 264 संक्रमित कोरोना मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन धरि 266,600 गोटे ठीक भेल अछि। नेपाल में आइ कोरोना के कारण ककरो भी मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल में कोरोना के कारण 2,029 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि। एखन 2,479 गोटे आइसोलेशन में अछि त 97 गोटे क्वारंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 2,075,152 टा PCR कयल गेल अछि। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेकपा विभाजित नहीं रहल स्पष्ट कलने अछि। काठमांडू में आई बैसल नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष के केन्द्रीय कमिटी बैसार में अध्यक्ष नेपाल केन्द्रीय कमिटी आ स्थायी कमिटी में अपने सबके बहुमत रहला से दोसर पक्ष ओहिना अलग भेल बतौलन। नेकपा अपना सबके रहल कह क्यों आँखि नहीं लगाब आ औरी नहीं खार के ओ बतौलन। ओ विधान के व्यवस्था बमोजिमे पार्टी के बैसार बैसला से निर्वाचन आयोग अपना सबके आधिकारिकता देव पड़वाक धारणा रखलन। अध्यक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समूह संघ 1/4 सेहो केन्द्रीय सदस्य नहीं रहला अवस्था में नेकपा के चिन्ह में और ककरो दावी नहीं मिलत ओ बतौलन। अध्यक्ष नेपाल सरकार आ पार्टी में ओली के एकाधिकार मानसिकता देखल गेल कारण से अपने सब कार्यवाही कने तर्क कलन। ओली सहमति कार्यान्वयन नहीं कने गुटवादी सोच हावी रहल बैसार बजावा नहीं मानने आ संहिता विरोधी सोच रखने के कारण से एखन के अवस्था आयल नेपाल बतौलन। हाम्रो निर्वाचन आयोगले व्याख्यामा जाने हो भने पनि अध्यक्ष पवन बहाल प्रचण्ड उहाँको मुख्यता आवश्यकता र म तपाईँले निर्वाचित गरेको अध्यक्षको नाताले र यसै गरी सचिवालयका सदस्यहरूको अर्डरको सहमतिको आधारमा र विधानको व्यवस्था बमोजिम
आजको बैठक बस्दै है धेरै धेरै कुरा उहाँको निजामको कुराहरू गुणगत सोचहरू एकाधिकारवादी मानसिकताहरू सामूहिकता विरोधी उहाँका सोच र चिन्तनहरू प्रकट हुँदै गए उहाँले पार्टीको विधिहरू मान्नु भएन बैठकको नियमित रूपमा बैठक आयोजना गर्ने कुरामा सहमत हुन सक्नु भएन नेकपा मात्र नै भएका आम सर्वसाधारण सबसे हो आन्दोलित हो पहुँचल उल्लेख कलन ऊ निर्वाचन घोषणा कलाक बाद तोकल गेल समयमे ओली निर्वाचन कर नै सकबाक तर्क केने छलखिन नेकपाके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमे अदालतके अपहेलना मुद्दा दर्ता भेल अछि अधिवक्ता समीर हायु मुद्दा दर्ता कलेने अछि त मुद्दाके पेशी मंगल दिनके लेल तोकल गेल अछि विराटनगर के सभा में प्रचंड देने अभिव्यक्ति विरुद्ध अदालत में मुद्दा दर्ता भेल बुझल गेल अदालत में विचाराधीन मुद्दा में टिप्पणी कने कहे अधिवक्ता हायु सर्वोच्च में मुद्दा दायर कलने सर्वोच्च ऐसे पहिने ही प्रधानमंत्री चार पूर्व न्यायाधीश आ पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना के अदालत के अपहेलना मुद्दा में अपने उपस्थित भगत जवाब देवा आदेश द चुकल भारत आगामी अप्रैल से शुरू होवला आर्थिक वर्ष 21-22 के बजट सार्वजनिक कलक भारतीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आइ पहिल बेर टैबलेट से पेश कलक आइ बजट भाषण के क्रम में सब सांसद सबसे हो बजट के डिजिटल कॉपी दिल गेल छल बजट भाषण के क्रम में सीतारमण भारत एक से सब बेसी देश के कोरोना खोप डेट बताने छले कोरोना महामारी एखन विश्वभर फैल चुकल अवस्था में भारत खोप के लिए 3 खरब 50 अरब भारू छुटियौने अछि भारत एहि वर्ष के स्वास्थ्य बजट 137% बढ़बे 22 खरब 38 अरब 46 करोड़ पहुँचौने अछि तहिना भारत अपन नया बजट में नेपाल के दे वाला सहायता में अगिलका साल के तुलना में किछ वृद्धि कलक अछि एहि वाचन कयल गेल बजट में भारत नेपाल के सन 2021-22 के आर्थिक वर्ष के लेल अनुदान के रूप में 9.92 अरब भारू छुटियौने अछि अगिलका साल भारत नेपाल के 8 अरब भारू छुटियौने छल सन 2019-20 के आर्थिक वर्ष के तुलना में ई कम रकम अछि तहिया नेपाल के 11.98 अरब भारू छुटियाओल गेल छल भारत के पड़ोसी में से भूटान के बाद सबसे बेसी रकम पावे वाला देश नेपाल अछि भूटान 21 अरब 24 करोड़ भारू पेबाक भेल अछि दक्षिण एशिया के अन्य देश अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव्स भारत से आर्थिक सहायता पाबि रहल अछि भारत बीमा कंपनी में वैदेशिक लगानी के सीमा 49% से बढ़बे 74% पहुँचेबाक बतौलक अछि संगे सरकारी बैंक सबके 2 खरब राहत देबाक निर्णय कलक अछि तहिना वायु प्रदूषण नियंत्रण के लेल 22 अरब 17 करोड़ भारू छुटियौने अछि एहि तरहें सन 2022 धरि किसान सबके आमदनी दोब्बर बनेबाक भारत के योजना अछि भारत आत्मनिर्भर अभियान के सेहो एहि वर्ष के बजट में जोड़ देलक अछि ओहिके लेल सरकार ओहिके स्वरूप में सुधार के काज के बढ़ौने अछि भारत के आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के योजना के लेल 6 वर्ष में 6 खरब 41 अरब 80 करोड़ भारू छुटियाल अछि देश त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे हम प्रमोद के विदा दिया देखत रही जन टीवी टुडे जनकपुर नमस्कार।